ये कजिया आठवां मस्जिद में ले गया और वहां जब बहस हुई कि जम्मू कश्मीर की असली सूरत हाल क्या है तो वहां तय हुआ जम्मू कश्मीर इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर शुड बी गिवन राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन सो दैट दे विल डिसाइड देयर फ्यूचर वेदर दे वांट टू बी विद इंडिया और एक्सीड टू पाकिस्तान. ये 18 करारदादें पास हो चुकी हैं और इन पर हिंदुस्तान के लीडरों ने आनजानी नारों ने दस्तखत किए हैं कि जम्मू कश्मीर के आवाम को अपना पैदाइशी हक पैदाइशी और बुनियादी हक दिया जाना चाहिए. हम वही हक मांग रहे हैं. हम हिंदुस्तान से कोई उनका जायज हिस्सा उनसे अलग करने का मुतालबा नहीं कर रहे हैं. किसी भी हाल में हम चाहते हैं हिंदुस्तान फले फूले आबाद रहे आजाद रहे, लेकिन उनको चाहिए कि जम्मू कश्मीर की मजलूम आवाम जो उनसे अपना पैदाइश और बुनियादी हक मांग रहे हैं उनसे उनको इनकार नहीं करना चाहिए. ये हिंदुस्तान जमहूरियत का दावा कर रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर के साथ उनके ताल्लुक का रवैया है, उनके ताल्लुक की बात है, वो बहरहाल हिंदुस्तान वहां अपनी जमहूरियत का मुजाहरा नहीं कर रहा है. हम हिंदुस्तान से चाहते हैं कि वो इंसानियत का मुजाहरा करें, वो कश्मीरियत का मुजाहरा करें, वो इंसानियत का मुजाहरा करें, जाहिरियत का जमहूरियत का मुजाहरा करें. हम कोई और चीज उनसे नहीं चाहते हैं. आप लोगों को क्यों तो आप लोगों को बड़े हिम्मत से हौसले से अपना पैदाइश और बुनियादी हक हासिल करने की जद्दोजहद का साथ देना चाहिए और इसमें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हमें इतिहाद हो, हमें इतफाक हो, हम एक दूसरे को साथ लेकर चलें और किसी भी हाल में हमें एक दूसरे के साथ इख्तलाफ नहीं होना चाहिए. और जितने भी यहाँ पार्टियां हैं, जितने भी यहाँ आजादी पसंद लोग हैं, इस्लाम पसंद लोग हैं, उन्हें यकजा होना चाहिए. वा तस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह ताला के दीन की बुनियादों पर मुतहिद हो जाओ, अलग अलग रास्ते इख्तियार मत करो. अस्सलामु अलैकुम.